का दिन बहुत ही खुशी का है और हम सब जवानों ने यहाँ मिलकर लोहड़ी के त्यौहार को बहुत ही खुशी से मनाया, बहुत ही धूमधाम से मनाया और इसका पूरा इंजॉय किया है। और हम लगभग सारे त्यौहार बॉर्डर पे ही यहाँ मनाते हैं। आसपास के जो गांववासी है वो इसमें सहयोग करते हैं और यहाँ आके हमें हर तरीके से इसमें बड़ा खुशी से हम मनाते हैं। लगभग सभी त्यौहार हम यहीं पर मनाते हैं। एक जब सब यहाँ ये त्यौहार मनाने लगते हैं तो 1% के लिए हम अपने घर परिवार को भूल जाते हैं। बॉर्डर की ड्यूटी टफ है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से समय निकाल के ये एक एंजॉय का टाइम होता है। सभी लोग मिलके हम इसको पूरे खुशी से मना रहे हैं। ठीक है, घर की याद तो आती है लेकिन आसपास के लोगों के मिलने से जो है हम उस वो कमी महसूस नहीं होने देते हैं। सभी लोग यहाँ आ जाते हैं। लोहड़ी पे क्या कहोगे देशवासियों, क्या मैसेज रहेगा कि सुख शांति से मनाएं आप बॉर्डर पे जाना? लोहड़ी के लिए बस सारे देशवासियों के लिए यही संदेश है कि सभी इस त्यौहार को पूरे खुशी से मनाएं और पूरे देश में जो है हम बाहरी सुरक्षा को देख रहे हैं और आप लोग अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखें, देश के अंदर कुछ भी गलत काम ना होने दे। तो क्या कहेंगे बाकी त्यौहार भी आप सारे मिलकर यहीं पर मनाते हैं? हाँ जी, बाकी त्यौहार भी हम सारे त्यौहार इधर ही मनाते हैं और बहुत ही खुशी से मनाते हैं और जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से सब लोग बड़े आनंद से रहते हैं। सर, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं BSF की तरफ से। और सर, ये त्यौहार हम हमेशा स्थानीय लोगों को इनवाइट करते हैं और इनके साथ भाईचारे से एक बहुत ही प्यार की भावना से ये त्यौहार हम मनाते हैं, जिससे हमें कि अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ ये त्यौहार हम मनाते हैं हमेशा। और BSF इनवाइट करती है हमेशा, कहीं भी रहें कहीं भी हम हों पूरे देश में, तो हम ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और स्थानीय लोगों को बुला के मनाते हैं हमेशा। सारे त्यौहार यहीं पे मनाते हैं और घर की भी याद रहती है तो? नहीं सर, जब हम स्थानीय लोग आते हैं हमारे साथ मिलते हैं जुलते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि हमारा परिवार ही है, बहुत ही हमारा मतलब साथ देते हैं किसी भी काम में और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। कभी ऐसे मतलब परिवार की कमी इतनी महसूस हुई नहीं कभी। क्या संदेश रहेगा देशवासियों की लोहड़ी खुशी से मनाएं आप? सर, पहले तो संदेश यही है हमारी तरफ से BSF की तरफ से कि पहला तो सभी प्यार भावना से रहें तो। और सर, लोहड़ी की सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, BSF के रहते हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के होते रहते पूरे देश में तो सर कोई आज तो आ नहीं सकती, तो ये हम यही आश्वासन देते हैं देश में देश को कि हमारे रहते हुए देश पे कोई आंच नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं मेरे देशवासियों को लोहड़ी की सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सबसे आभारी इस मीडिया परिवार से हूं जो कि अपना इतना कीमती समय बिता करके हमारे बीच में आए। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे साथ एक परिवार नहीं बल्कि मेरे 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ में ये हर पर्व मनाते हैं। और जहां भी हम रहते हैं जो कि स्थानीय जो निवासी हैं वो हमें इतना स्नेह और प्यार के साथ में इतना ये त्यौहार सभी त्यौहार मनाते हैं और हमें बहुत सा प्यार देते हैं जो कि हम उनके हार्दिक जो है उनके आभारी हैं। यही मैं फिर से सभी देशवासियों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं देशवासियों को ये हम जो है एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब तक हम इस सीमा के ऊपर खड़े हैं कोई इस सीमा को छूने की बजाय देख भी नहीं सकता है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मिल गया मन का मी दुनिया का जाने मेरी।
इतने खूबसूरत तरीके से आज बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का पर्व मनाया, और आपको बताना चाहते हैं कि जवान कितने खुश थे जब ये लोहड़ी का पर्व मना रहे थे। तो त्यौहार दीपावली का हो, त्यौहार राखी का हो, त्यौहार होली का हो या अन्य त्यौहार हो, बीएसएफ के जवान, हमारे देश के जवान जो हैं वो सरहदों पर ये तमाम त्यौहार मनाते हैं और अपने तमाम साथियों के साथ ये मिलकर त्यौहार का लुत्फ भी उठाते हैं। और कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों की बात करें तो उनको बिल्कुल भी मलाल नहीं रहता कि हम अपने घरों से दूर हैं, अपने परिवार वालों से दूर हैं और यहाँ सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल भी मलाल नहीं रहता, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ ये तमाम पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और उसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी इन त्यौहारों पर बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये परिवारों की तरह ये त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरहदों की हमारे जवान, देश के जवान रक्षा कर रहे हैं और रक्षा के साथ साथ वो हर पर्व जो है वो धूमधाम से मनाते हैं। तो बीएसएफ के जवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। जब तक वो जवान हैं तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन लोहड़ी का पर्व कितने धूमधाम से आज जो है जवानों ने मनाया, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा, और यहाँ पर तमाम जवान नाचते नजर आए, झूमते नजर आए और आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया, और यहाँ से एक अमन, शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया तमाम बीएसएफ के जवानों ने। सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ तमाम जवान बॉर्डर पर ये तमाम त्यौहार मनाते हैं, जिसमें आज का पर्व लोहड़ी पर्व भी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से मनाया। आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।